तो हाउस द जोश, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता और मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, एक बार माइकल जॉर्डन को एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछा कि आपको कौन बेस्ट का सबसे बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाता है, क्या वो आपकी स्किल है, क्या वो आपकी टैलेंट है, क्या वो आपकी एबिलिटी है, क्या वो आपका बैकग्राउंड है, क्या वो आपकी ट्रेनिंग है। उन्होंने बोला कि मैं जब हाई स्कूल में था तो मुझे बास्केटबॉल से निकाल दिया गया था, मुझे हटा दिया गया था। मैं कभी भी जिंदगी में दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखता, मैं खुद से उम्मीद रखता हूं। मैं हर बार हर रोज अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा मांगता हूं, कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि मैं उससे बेटर होऊंगा या इससे बेटर होऊंगा। मैं कंपेयर करता हूं अपने से, मैं कंपीट करता हूं अपने आप से। मैंने कल जो किया था, मैं आज उससे 2 पुशअप ज्यादा मारूंगा। मैंने कल जितने रैप मारे थे, आज उससे 4 रैप फालतू मारूंगा। क्या मैं करना चाहता हूं और क्या मैं कर रहा हूं, मैं कभी अपने आप से नेगोशिएशन नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि ये आज नहीं करते, कल कर लेते हैं, आज मैं थक गया हूं। मैं कभी अपने आप से बात नहीं करता, क्योंकि जब मैं अपने आप से बात करता हूं तो मुझे उसे बताना पड़ता है। मेरा दिमाग मुझे कहता है मैं थक गया हूं, मेरी बॉडी मुझे कहती है मैं थक गया हूं, इसलिए मैं कभी अपने आप से बात नहीं करता। मैं बड़ा क्रूएल हूं, मैं सीधा सीधा ये बोलता हूं कि ये फकिंग डैम इट करना है, आज नहीं रुकना है, नहीं थकना है। मेरा दिमाग मेरी कमांड लेता है, मैं अपने दिमाग को जो बोलता हूं वो मेरी बॉडी के साथ उसको अप्लाई करता है। मैं उसे बोलता हूं कूदने के लिए तो वो कूदता है, मैं उसको हद कहता हूं हंसने के लिए वो हंसता है, मैं उसे कहता हूं 10 रैप और मारने वो मारता है। मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में रहता है और उसी से मैं किसी भी तरह की सिचुएशन को, अपनी सिचुएशन को ऐसी सिचुएशन में बदल देता हूं जिस सिचुएशन को मैं चाहता हूं। तो दोस्तों, अगर तुम भी जिम जाना चाहते हो तो सिर्फ मेंबरशिप मत लो, अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। आपका दिमाग आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, और अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अपने आप से बात करना बंद कर दो, बस अपने आप को कमांड देना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी में जब भी आप अपने आप से बात करेंगे तो आप हमेशा एक्सक्यूज देंगे, और एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं होती है। एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो, क्योंकि लेजेंड कभी एक्सक्यूजेस नहीं देते। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।